दोस्तों, अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर। इस मूवी को डायरेक्ट किया, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकारों की कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है।
फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकारों की कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकारों की कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की
दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा,
तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मोयूक को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकारों की कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था।
इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकारों की कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी,
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है।
फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकारों की कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्त इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकारों की कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की
दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा,
यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था।
इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्त इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मोयूक को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है।
फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्त इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो 10 में से 5 पॉइंट की
दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा,
तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मोयूक को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था।
इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, तो यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है।
फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान साव और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्त इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखने चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी हैप्पी न्यू ईयर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया फरार खान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 70% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 5 पॉइंट की
दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 5 पॉइंट की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल पर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ की, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको 3 घंटे के करीब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, बोमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, विवान शाह, दीपिका पादुकोण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 150 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 394 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो हैप्पी न्यू ईयर 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फरार खान ने किया। रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट के बने बैनर तले गौरी खान ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विमान शाह और जेके श्रॉफ जैसे कलाकारों की कलाकार भी है। इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद का एक टीम में बदल लेता है, जो शहर को, दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेता है। यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की चोरी को अंजाम देने की उनकी खोज का हिस्सा है। 150 करोड़ के कुल बजट में बनी यह फिल्म मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक का तीसरा सहयोग है। इसमें उन्होंने मेहुना 2004 में और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिसके बाद वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्लिप वाइज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म Netflix पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप Netflix के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा,
तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।